व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। आई नो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग है। ऐसे ही मेरा मूड घूम गया और मैं सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं। और या इस टाइम अपने किचन में हूँ, अगर तुम लोगों को पता नहीं है, मेरा एक तरह से बोल लो कि ये एक हाउस व्लॉग है। क्या बोलते हैं उसको, हाउस टूर। ओके, पहली बार ऐसा कि मैं ऐसा कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ और ये कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक घर नहीं है। ओके, सिंपल घर है बहुत। और या मैं मैक्सिमम टाइम मेरा किचन में ही बीतता है, बिकॉज घर में सिर्फ दादी और मैं रहते हैं, तो हम दो लोग रहते हैं। और बहुत सारे जैसे कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता जल्दी, उसके बारे में बाद बात करते हैं। हालांकि बात करते हैं कि मैंने ये ब्लॉगिंग का आइडिया कहाँ से आया। तो ऐसे ही मैं घर में घूमा था, मैंने कहा कोई वीडियो तो बन नहीं पा रही है, हालांकि मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। एडिटिंग का ना मूड सा नहीं बन रहा, जो एक मूड सा होता है वो बनता है। और मैं इतना मूव करता रहता हूँ, मैं हमेशा लिटरली मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। ओके, तो ये है मेरा रूम। ओके, मेरे पास एक मछली का जार है, बहुत ही बड़ा सा, ये करीब 6 फुट का है। और इसको भी हमने दोबारा क्लीन किया है, इस दिवाली में पूरा ही ख़राब हो गया था। और अब सोच रहा हूँ कि शायद दोबारा उसको मैं मतलब मछलियाँ डालूँ, आई थिंक। और ओके, ओह ये देखो, ये है खाना लिली का, और ये है मेरी लिली जो कि ठंडी के मौसम में इस टाइम सो रही है अपने बंदरों के साथ में। लिली, लिली, ए लिलिया, मरना है क्या बॉस? मेरे रूम में खास नहीं है बहुत, ज़रा देखो सिंपल सा रूम है एकदम। और ये मेरा पावर बैंक, और मैं यही बैठता हूँ मैक्सिमम। मेरी मेरी जो वीडियो है यही रिकॉर्ड होती है। ये मेरी साइकिल, तो पता है साइकिल है ना, इसकी उम्र 31 ईयर्स से आसपास, 31-32 ईयर्स की साइकिल होगी, है बहुत पुरानी है, मेरे बाबा की साइकिल ही है। ओके ओके, उसके बाद आगे कमरा है, यहाँ दादी लेटती हैं। ये यहाँ पे मतलब एक भगवान जगह, एक प्राइवेट रूम है होता है ना। और ये इग्नोर करो उसे। उसके बाद मेरा एक पुराना कमरा हुआ करता था जो कि मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट को। हाँ ये रहा, जिसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ऐसे यहाँ मेरा PC रखा है जो कि चलता नहीं है। उसके बाद मेरा होम थिएटर, मैं यहाँ पे आके कभी कभी गाने सुनता हूँ। और मेरे स्टफ्स, मेरा बिजनेस सामान जो मैं बिजनेस करता हूँ साथ में, बिकॉज वर्क इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं ये सब काम करता हूँ, मैंने रियलाइज़ किया कि ज़रूरत नहीं है, मतलब उतनी ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा कुछ बढ़िया सा ही होना चाहिए हमारे पास। सिंपल चीज़ें भी बढ़िया होती है। और मुझे ब्लॉगिंग करना बिल्कुल नहीं आता, सीख जाऊँगा। ओके, उसके बाद हाँ मैं कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ, मेरी नोटबुक्स। और मैं पता नहीं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, लिली के काम। ओके एक मिनट को, मुझे समय दो एक सेकंड का। ओके, तो तुम लोग को ये डॉग दिखाई दे रहा होगा ना, कितना मस्त है डॉग। पर अगर मैं हल्का सा ऊपर से देखूँ, लिली ने इसकी जो हालत की है भाई, बहुत खतरनाक है। यही मामला पानी है, बहुत खतरनाक सा होता है, बहुत ज़्यादा। लाइट ख़राब हो गई, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे घर में, क्या कुछ सही है। हाँ, तो यही है मेरा बिजनेस डेली का, मेरा यही काम होता है कि अब सुबह उठता हूँ मैं करीब 6:30 बजे के आसपास, और रात में सोने में शायद 2 बज जाते हैं मुझे। तो यही सब काम होता है। और मैं भी किचन में क्या कर रहा हूँ, बिकॉज दादी ऊपर नहा रही हैं, तो ऑब्वियस बात ठंडी है, और तो वो ऊपर घूमने के लिए दादी ऊपर नहाती हैं, तो अभी उनको चाय पानी देना होता है ना सुबह का, तो उसी के लिए मैं किचन में हूँ। मैंने अभी अभी पानी गर्माया है ताकि वो पी सकें, और ऑब्वियसली चाय। देखो अगर तुम्हारे घर में ऐसी चाय नहीं बनती ना, इंडियन नहीं हो तुम, जो बात है। एक नॉर्मल घर में ना ऐसे ही होता है। तो मैं इसे और मैं दिखाता हूँ एक मिनट को। और अगर तुम्हारे घर में ऐसे कप नहीं है तो भूल जाओ कि तुम इंडियन हो, समझे। ऐसे कप हर घर में होते हैं, मतलब मेरे पास इस तरह के 2 कप, वो भी ऐसे रखा हुआ है भाई, उसका मैं क्या बताऊँ यार। वो मेरी चासिस टूट गया था और तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। दादी कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो। अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ दादी का नाम धोना पूरा हो गया, पर मैं एक चीज और दिखाता हूँ, बिकॉज मेरे घर में चूहे भाई साहब, इतने ज़्यादा चूहे मेरे घर में कि दिमाग खा जाते मेरा। ये देखो यही है चूहे, वो इतने इतने मक्कार होते हैं ना, ये पूरे घर के ऐसे ऐसे करते हैं। ये सो रहा क्या? हाँ उठा हुआ है। और अभी क्या होगा उसके साथ में पता है, कि अभी ये जाएगा छत पे और
फिर लिली के सामने उसको छोड़ देंगे, किस्मत में होगा तो बच जाएगा या फिर। और अगर तुम लोग सुन पा रहे हो तो कंटिन्यूसली पीछे हाइक चल रहा है, थोड़ा बज रहा है। वो मेरे घर के जो बाहर है ना, वो जो मेरा आउटडोर है, वहाँ पे लोहार सामने रहते हुए जो मेरे वो है क्या बोलते हैं उसे नेबर्स, वो नेबर्स मेरे लोहार हैं। और हाँ, अभी तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा लिली उठ गई। लिलू कहाँ हो रहा है ये बच्चा? लिली उठ गई। तो लिली के उठने का समय हो गया, अभी खेलेगी और अपने साथ खाना भी खा ले। ये खाना खाने बहुत नाटक करती है, बिल्कुल मेरी तरह है, मैं बहुत नाटक करता हूँ खाना खाने में। तुम लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी लिली अभी चाहती है कि मैं उसे खोल दूँ, तो एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देखो इस लड़की को क्या हुआ, खोल दे तुम्हें लिली। हाँ ये लुपुर लुपुर क्या हो रहा है, खोल दे। अरे हाथ तो हटाओ यार, इसे खोल देंगे। लिली इधर, तुम्हारा बंदरू किधर है? ये कौन लेगा लिली? चाह खेलो दो ले लें। ये ऐसे ही पकड़ाती रहती है पूरे दिन, और ऐसे से मेरा पूरा दिन कट जाता है, वरना पत्थर दिन जैसे कटेगा। लिली वहां मत जाओ तेरी। तो हाँ आई थिंक यही ब्लॉग है, पीछे तो ये जो बस है ना, खुद तुम लोग सुन पा रहे हो वीडियो, ये यही सब है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, और मेरी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड होती है रात को, मतलब करीब 10:30-11 बजे के आसपास मैक्सिमम वीडियो। और कभी कभी जब शॉप बंद होती है तो हम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यही सब रीजन है कि मेरी वीडियोस आने में टाइम लगता है, बिकॉज रात में क्या है कि मैं दिन भर काम किया रहता हूँ और बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो जब इतना थक जाता है इंसान तो नहीं हो पाता है। और आई मैं बहुत ज़्यादा टहल रहा हूँ, इधर उधर टहल रहा हूँ, ऐसे ऐसे लगा रखा हूँ मैं, पर वो मेरी हैबिट है, मैं ऐसे मतलब ऐसे मैं खड़े से नहीं बनता मुझसे, तो मैं ऐसे टहलता रहता हूँ। तो यह तो इस वीडियो को एक ब्लॉग क्या बोल रहा हूँ मैं यार, इस ब्लॉग को ये पेंटिंग करते हैं। और आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि देखो मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती, ठीक है, ये मुझे बस ऐसे ही मूड घुमाओ, डिस्क्रिप्शन देख लेना यार। और हाँ एक बात और, मैं जल्दी किसी वीडियो में आपने बोलता नहीं, पर मैं इसमें बोल रहा हूँ बिकॉज ज़रूरी चीज़ है। तुम लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, दोबारा में और बहुत क्रेजी स्टेप्स करता रहता हूँ, जाके मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो, सब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और मैं तुमको बताना चाहता हूँ, पर इस वीडियो में नहीं, वो किसी और वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो लंबी हो रही है, मेरी कैजुअल टाइमिंग से लंबी हो गई वीडियो, तो यार बात ही कर लेते हैं। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जो मेरी जो एक्सेंट है मेरा बोलने का, वो मतलब बहुत बार बीस्ट बार से मिलता है। अब देखो ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग ना, एक मिनट को पहले ओके, तो ऐसा क्या होता है, बहुत बार होता है कि जब हम लोग किसी को लगातार देखते रहते हैं, मैं बीस्ट बार से वीडियो बहुत देखता हूँ, तो जब देखते रहते हैं और फिर हमारी ना हैबिट बन जाती है वैसे बात करने की, जैसे कि भैंस की टैंट, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मुँह से निकलती रहती हैं। तो यही सब बातें हैं कि मेरी ऐसी हैबिट नहीं थी, पर अब वो एक लाइफ का मेरा हिस्सा बन गई है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ जाओ। तो यही है रीज़न कि मेरी लैंग्वेज एक्सेंट थोड़ी सी मिलती है, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कि अपने कुछ स्टेप्स डालूँ, कुछ चीज़ें अपनी भी हो मेरी, वो मैं डालता रहूँ, तो चेंजेस आएंगे। और बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। ओके थैंक यू।